उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज तहसील के गांव जरेली की बीडीसी सदस्य चुने गए गुलशन हैदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद जरेली के बीडीसी की कई सीट रिक्त की गई थी। उसके बाद आपको बता दें कि वार्ड नंबर 19 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से डॉक्टर ए के गंगवार की पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार और पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र गंगवार उर्फ पिंटू की पत्नी सुनीता गंगवार को बीडीसी के उपचुनाव के मैदान में थी। आज बीडीसी के उपचुनाव की मतगणना संपन्न हुई, जिसमें आपको बता दें कि आज बाजी मार दी है उनकी पत्नी ने। जी हाँ, आपको बता दें बीडीसी उपचुनाव में मतगणना संपन्न हुई, जिसके बाद पूर्व ब्लॉक धर्मेंद्र गंगवार उर्फ पिंटू की पत्नी सुनीता गंगवार को 756 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी डॉक्टर मीनाक्षी मात्र 352 वोट ही हासिल कर पाएं। इस तरह से सुनीता गंगवार ने वोटों की भारी जीत हासिल की। सुनीता गंगवार की जीत की खबर सुनकर उनके समर्थक में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उनके समर्थक इरशाद अंसारी, चेला केसर सिंह गंगवार, गुड्डू जैदी, दिनीश सुनीता गंगवार की भारी जीत पर उनकी पति धर्मेंद्र कुमार पिंटू ने समस्त कार्यकर्ता और वोटरों को आभार व्यक्त किया और आगे होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रबल दावेदारी बनकर सुनीता गंगवार मैदान में उतरने को बेताब हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के नवाबगंज की, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नवाबगंज के तहसील गांव जरील की आप खबर देख रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता आरसुनीज के संवाददाता अखलाक अंसारी ने इस खबर को कवर किया और उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर जितने लोग थे उनसे बातचीत करी और उनसे जाना कि आगे की रणनीति क्या है। काम पे पहुँचाने का काम किया इस गांव के लिए, आपने क्या क्या बातें किया, किनके बातों में आप खड़े उतरना चाहते हैं? मैंने जो वादे किए हैं मैं अपनी बातों पे खरा उतरूंगा और इन दोनों गांवों के साथ साथ जरेली जयनगर के साथ साथ पूरे नवाबगंज ब्लॉक के लिए एक विकास की गति देने का काम करूंगा। और ये काम की ही बात है कि मैं एक बार 2005 में जब ब्लॉक प्रमुख बना था तब जरेली गांव का एक छोटा सा बाढ़ लगता था, उन लोगों ने उस समय मुझसे कहा था कि अगर आप ब्लॉक प्रमुख बन जाएं तो मेरा ये नाला आप बनवा दीजिए, क्योंकि ये पूरे गांव का पानी रोड पे आता है, इससे हमें दिक्कत होती है। और मैंने वो नाला उनका, मैंने भी उनसे वादा किया कि अगर मैं ब्लॉक प्रमुख बना तो सबसे पहली ईंट की ट्रैली आपके जरेली में ही उतरेगी, और मैंने वो नाला 2005 में उनका बनवा दिया। आज उनका जो भरोसा मैंने जीता है, ये भरोसे की वजह से ही आज मुझे दोबारा मौका मिला है, और अगर मैंने काम नहीं किया होता या उनकी भावनाओं के हिसाब से तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरी बीजेपी खेमा ने आपके ऊपर पूरी तरीके से जोर लगाया है, साम दाम दंड भेद का, लेकिन आप खड़े उतरे, इसका क्या रीजन रहा? आप अकेले दम पर आप मम्मी और आपके जो समर्थक हैं वो लड़ते रहे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जैसे रोशन खुदा करे। आपके द्वारा कहा गया था कि मुझे धमकी दी जा रही है और आपने कहा था मैं मरते दम तक पिंटू जी को चुनाव लड़ाऊंगा, और आप उस वादे पर खड़े उतरे, कितनी मेहनत रही और किस तरीके से सहयोग रहा आपका? मेहनत ये रही भाई, जीत हमारी नहीं हुई है, जरेली और जयनगर की जनता की जीत हुई है, क्योंकि ऐसा है जो वीडियो वायरल हुआ था उस वक्त जरेली और जयनगर पूरा हमारी तरफ घूम गया था, लेकिन पैसे के जोर से उन लोगों ने थोड़े बहुत वोट ले लिए, बाकी उन्हें वो भी वोट नहीं मिलते इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसा है जरेली और जयनगर वाली जनता ने बहुत साथ दिया हमारा, अगर वो हमारे साथ ना होते तो हमारी क्या औकात थी हम चुनाव जीत लेते, समझे? तो पिंटू जी से आप क्या उम्मीदें रखते हैं अपने गाँव के लिए और जयनगर के लिए? पिंटू जी से उम्मीदें ये रखते हैं, पहले भी उन्होंने काम किया था और इंशाल्लाह फिर भी काम करेंगे, जयनगर जरेली के लिए नहीं, जरेली को जयनगर को तो बरेली बना देंगे वो, समझे? ऐसा विकास करेंगे इंशाल्लाह, समझे? जो वादे करे हैं वो पूरे होंगे इंशाल्लाह, उससे ज़्यादा होंगे, वादे तो कम करे हैं लेकिन काम ज़्यादा होगा। क्या तैयारी है आगे की चुनाव जीतने के बाद? चुनाव लड़ने की तैयारी है? सर जी आप ये बताइए, आपकी बहू
सुनीता गंगवार चुनाव जीती हैं बीडीसी का जी, आगे क्या तैयारी है आपकी? अब मेंबरों के साथ बैठ के बात होती है और नेताओं के साथ बैठ के बात होती है, जो डिसीजन होगा वही लिया जाएगा। तो निर्दलीय लड़ने की तैयारी है या पार्टी से? किसी पहले पार्टी से मांगेंगे उसके बाद में देखते हैं। कौन सी पार्टी से मांग रही है टिकट? भारतीय जनता पार्टी। आपको उम्मीद है पार्टी का आप टिकट दे देगी? वो तो उम्मीद है, उम्मीद है। छोटू भाई बोलो जरा, क्या करो आप? छोटू भाई आप ये बताइए, एक वीडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुई है नक्ट एमपी एरिया की, आपको धमकी भरी, क्या मामला था पूरा? वो मामला ये था, वो ये कह रहे थे कि गंगवार को चुनाव लड़ाओ। मैंने भाई क्यों, बात क्या है? बोले तुम्हें चुनाव लड़ाना पड़ेगा। मैंने भाई अगर आपको पहले से लड़ाते चुनाव तो आपको लड़ाते, अब हम देख नहीं सकते, हम पिंटू गंगवार को ही चुनाव लड़ाएंगे। तो बोले वो ऐसा हम देख लेंगे तुम्हें, बाद में तुम्हें देखेंगे क्या करना है, तो हमने क्या कर लेगा, तेरी धमकी डरने वाले हैं? हम डरने वाले नहीं तेरी धमकियों से, हम पिंटू गंगवार को ही चुनाव लड़ाएंगे, अच्छे व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, ये हमने कहा। तो ये इस बार जो भारी जीत हुई है, इसका श्रेय जीत का किस तरह कैसे देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय जीत का हम देना चाहेंगे जरेली और जयनगर की जनता को, क्योंकि उन्होंने हमें वोट दिया है और हमें जिताया है, हमारी इज्जत रखी उन्होंने, और ये सच्चाई की जीत हुई, अच्छाई की जीत हुई है। जरेली वाले तो उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जिन लोगों ने आपको धमकी दी थी? उन लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे, उन लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे, वो विधायकी के दावेदार बनते हैं, बीडीसी नहीं जीत पाए, विधायकी कैसे जीतेंगे? जरेली का जो चुनाव हुआ है 756 वोट उसमें हमें मिले हैं। जीत कितने से हुई? जीत 404 वोटों से। 404 वोटों से। अच्छा, अब आप जो अब इलेक्शन आने वाले हैं गुरमुखी के, ब्लॉक गुरमुखी के, तो आप किससे टिकट लेंगे? हम अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठ कर मीटिंग करेंगे और रणनीति बनाएंगे, उसके बाद उन सबका जो फैसला होगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। कुछ और अपनी जनता को, आज जो खुशी का माहौल आपके यहाँ देखा गया है, कुछ अपनी जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि वो लोग हमेशा हमें अपने सर आंखों पर बिठा के रखते हैं और इतना प्यार देते हैं। उसी प्यार की वजह है कि आज इतने वोटों से बड़े बड़े बाहुबलियों को गिराने का काम किया है। ये सब जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं। मैडम, आप जरेली का चुनाव बीडीसी का आप जीती हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो और जो आपके जो विरोधी थे उनको तो आपने